शरीर विष्णु वाला है, विष्णु भगवान का मंदिर है। सिद्धिदम सर्वे देवना, मतलब जितना ये शरीर है, जितनी हमारी माँ बहने भाई लोग बाबा लोग बाबू लोग जो भी है, इस सब में यानी गुरु महाराज जी कहने की कृपा की जितने मनुष्य तनधारी है, यानी जितने मनुष्य है, वह सबके सब शिवालय है, सबके सब विष्णुवालय है। यानी हमारे साथ शिव भगवान है, हमारे साथ विष्णु भगवान है, और इसमें सिद्धि मिलेगी। कहने का राज ये है कि इसी शरीर में हमको खोजना चाहिए जिसको आप खोजते हैं। हमारे इष्ट इसी के अंदर है, और भगवान भोलेनाथ ने यही दुनिया को समझाया। बिंदु और नाग की खोज उन्होंने ही की। सबसे पहला दृष्टा, सबसे पहला वैज्ञानिक भगवान शंकर को माना जाता है। इन्होंने खोज की, इन्होंने नाद को और बिंदु को खोज कर निकाला और दुनिया को समझाया। इसका जीता जागता उदाहरण उन्होंने पेश किया। हिमालय पहाड़ पर बैठकर सर्दी गर्मी जाड़ा का बरसात का फिकर किए हुए अहर्निश अलमस्त सिमरन ध्यान में लगे हुए रहते थे। उनके तस्वीर को आप देखेंगे तो बिल्कुल सिद्धासन में बैठा हुआ, आंख लगभग बंद है, कहीं कहीं तस्वीर में लगता है आधी खुली हुई है। दो आंख तो है और एक आंख दोनों आंख के बीच में है, और तस्वीर को देखने पर पता चलता है कि ये आंख नहीं है, आंख का तस्वीर बनाया हुआ है। मतलब संकेत दे रहा है भगवान भोलेनाथ कि हमने इस बिंदु नाद की उपासना करके स्वयं अस्थित हो गया, और हम आते जाते अब नहीं है, जब से है तो है। हमने साधना करके ध्यान करके ये काम पूरा किया। ऐ भक्तों, तुम भी अपने अंदर में झांको, तुम्हारे दोनों आंख के बीच में ये तीसरी आंख है, एक बार इस आंख को खोलो यानी बिंदु को खोलो तो सारा नजारा तुम्हारे सामने आएगा। इसलिए ध्यान की बड़ी महिमा है। बिंदु और नाद की उपासना ध्यान की गहराइयों में उतरने की कला है, और यही बात उन्होंने भगवान मतलब भगवान भोलेनाथ अपने सहधर्मनी पत्नी को समझाया कि हमने जो कुछ पाया यही ध्यान के बदौलत पाया, बिंदु और नाद के को अंदर में पाया तो सारा लाभ पाया। तुम भी करो और फिर निर्वाण की प्राप्ति करो। ध्यान की बड़ी महिमा वेदों ने गाया, ध्यान बदौलत तूने मुझको पाया, कर अब निर्वाण की तैयारी सुना है गोरा, गणेश महतारी कर अब निर्वाण की तैयारी सुना है गोरा, गणेश महतारी मानस जप मानस ध्यान तो कर, दृष्टि साधन दऊ नयना मिलाव, कर जगम ज्योति के दर्शन हो, कर जगम ज्योति के दर्शन सुना है गुरा, गणेश महतारी आंख कान मुख तीनों बंद कर, अनहद संगीत के शब्द सुना,
बड़ा आनंद शिवलोक नगरिया सुना है बड़ा गणेश महतारी बड़ा आनंद शिवलोक नगरिया सुना है गोरा गणेश महतारी दिवस रैन वहाँ नहीं चांद सूरजवा दिवस रैन वहाँ नहीं चांद सूरजवा पाप यार पुण्य नहीं सुख दुखवा अमृत की बरसई बादरिया हो अमृत की बरसई बादरिया सुना है गोरा गणेश महतारी अमृत की बरसई बादरिया सुना है गोरा गणेश महतारी नारद बाबा करई शिव के चरनिया नारद बाबा यरज कर शिव के चरनिया ध्यान में मन लागे देहो बचनिया नारद बाबा यरज कर शिव के चरनिया ध्यान में मन लागे देहो बचनिया हम जैब तोहरो नगरिया हम जैब तोहरो नगरिया सुना है बड़ा गणेश महतारी श्री सद्गुरु महाराज की प्रेमी सज्जनों नारद बाबा भी कहते हैं कि हम शिवलोक जाएंगे अनबिंदु नाद में हम भी प्रतिष्ठित होंगे हे भगवान भोलेनाथ हमें ये हम तुमसे अरज करते हैं उसमें मन लगे हमें वचन दीजिए परमाराध्य गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के तस्वीर देखने मात्र से ध्यान की गहराइयों में उतरने का मन बनता है भगवान भोलेनाथ भी यही कहते हैं नारद बाबा यही कहते हैं भगवंत और संतगण सब के सब ध्यान की गहराइयों में उतरने के लिए कहते हैं हम लोगों को चाहिए पवित्र भोजन करके पवित्र साधना करके हम उस जगह पहुँचे दिवस रेन वहाँ नाही चांद सूरज बा भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं न तद्भास्ते सूर्य न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम तो मेरे कहने का भाव उस लोग चलने की हम लोग पूर्ण तैयारी करें यही सच है आराध्य देव भगवान ने यही हम लोगों को सबक दी ओम जय श्री